देव भूमि प्रणाम। दर्शकों में अध्याय प्रसाद देव भूमि मेरा न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अपने वादे के अनुसार आज हमीरपुर ब्लॉक डीडीसी के जो रिजल्ट आए हैं उसकी सूची हमारे पास आ चुकी है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारा ब्लॉक है शेरबलौनी। शेरबलौनी में जो हमारे यहाँ के विजेता हैं वार्ड नंबर एक है वो सतीश कंवल, उनको 965 मत पड़े हैं। उनके सेक्रेटरी प्रतिद्वंदी हैं उनको, उनका नाम है सतीश कुमार, उन्हें 740 मत पड़े थे। और उसके बाद है वार्ड नंबर दो ब्रालड़ी। ब्रालड़ी से नीतू रानी विजेता रही हैं, उन्हें कुल मत पड़े हैं 1094 और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी उर्मिला कुमारी को 730 मत पड़े हैं। उनके बाद है फरनौर वार्ड, वार्ड नंबर तीन, यहां पर अंकुश कुमार जीते हैं और उन्हें 402 वोट पड़े हैं और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो है कमाल चंद जसवाल को 252 वोट पड़े हैं। उसके बाद नारा वार्ड, वार्ड नंबर चार है ये, यहां से जो जीते हैं उनका नाम है हरीश कुमार, 1123 वोट, ये भारी भरकम जीत है इनकी। और जो इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं उनका नाम है सुमन भारती और उन्हें 563 वोट पड़े हैं। उसके बाद जंगलरोपा से सुनीता देवी 671 मत लेकर विजय रही हैं और अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी किरण बाला जो है उन्हें उनकी जो प्रतिद्वंदी रही है उन्हें 499 वोट पड़े हैं। उसके बाद दड़ोही से संजीव कुमार, इन्हें 450 वोट पड़े हैं और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो है वो गुलचंद शर्मा रहे हैं, उन्हें 324 मत पड़े हैं। इसके बाद बजूरी वार्ड, वार्ड नंबर 7 है ये, यहां से रेखा कुमारी 711 वोट लेकर विजय रही हैं और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो है कमला देवी, उन्हें 390 वोट पड़े हैं। उसके बाद नेरी वार्ड से मीना कुमारी 853 वोटों के साथ विजयी हुई हैं, उनको जीत हासिल की है और उनकी जो निकटतम प्रतिद्वंदी है वो है कृष्णा कुमारी, उन्हें कुल 791 वोट पड़े हैं। उसके बाद मजहूब सुल्तानी, यहां से मधु देवी 1642 मत इन्हें प्राप्त हुए हैं और इन्होंने इनकी जो निकटतम प्रतिद्वंदी है वो सविता कुमारी, उन्हें 670 वोट पड़े हैं। उसके बाद कुठेरा वार्ड, वार्ड नंबर 10 है, यहां से नीलम कुमारी 910 मतों के साथ विजय की ओर अग्रसर हुई हुई है, यानी कि उन्होंने विजय प्राप्त की है और निकटतम प्रतिद्वंदी जो है सिंधु शर्मा, उन्हें 599 मत पड़े हैं। क्या लोखरिया, यहां से प्रकाश चंद 834 मत लेकर विजय रहे हैं और इनके जो दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी रहे हैं शमशेर सिंह, उन्हें 514 वोट पड़े हैं। उसके बाद बस्सी झनियारा, यहां से संजीव कुमार जिन्हें 686 मत प्राप्त हुए हैं और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी को विनोद कुमार हैं, वो उन्हें 473 मत पड़े हैं। उसके बाद अनु से कांता देवी 1491 मत के साथ विजय हुई हुई है और जो इनकी निकटतम प्रतिद्वंदी है सविता देवी, उन्हें 1248 वोट पड़े हैं। उसके बाद बल्ल से सुमनलता, इन्हें कुल मत पड़े हैं 717 और जो दूसरे नंबर पर हैं सीमा देवी, उन्हें 376 वोट्स पड़े हैं। उसके बाद दरोगन पत्तीकोट, यहां से राजीव कुमार को 858 वोट्स पड़े हैं और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी है वो है राकेश कुमार, उन्हें 705 वोट पड़े हैं। और इसके बाद तो दोस्तों ये थे बीडीसी हमीरपुर के सदस्यों की सूची जो मैंने आपको पढ़ी। तो दर्शकों अब बात करेंगे पंचायत समिति सुजानपुर के निर्वाचित सदस्यों की, उनकी सूची इस प्रकार है। वार्ड नंबर एक डेरा, यहां से विमला रांगड़ा जीती हैं। वार्ड नंबर दो थाना धमड़ियाना, यहां से शारदा देवी जीती हैं। वार्ड नंबर तीन से जो कि भीड़ वगैरह है, यहां से अंजना कुमारी जीती हैं। वार्ड नंबर चार बैरी से रविंद्र कुमार। वार्ड नंबर पांच जंगल से सुरजीत सिंह। वार्ड नंबर छह खैरी से अंजना देवी। ये थे सुजानपुर के। और इसके बाद है पंचायत समिति भोरज के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी सूची इस प्रकार से है। वार्ड नंबर एक से अमरहो, यहां से राजेंद्र सिंह। वार्ड नंबर दो कक्कड़, अंजू कुमारी यहां से जीती हैं। वार्ड नंबर तीन पपला से अनिता शर्मा जीती हैं। वार्ड नंबर चार धरोल, यहां से रेशमू देवी जीती हैं। वार्ड नंबर पांच धीरड़ से जीते हैं सरिता कुमारी। वार्ड नंबर छह भलवानी से रचना कुमारी। वार्ड नंबर सात मंगनी से रीता देवी।
वार्ड नंबर 8 टिक्करी मिनहासा से अशोक कुमार, वार्ड नंबर 9 भोरंज सुनीता देवी, वार्ड नंबर 10 कोड़ोता कमलेश कुमार, वार्ड नंबर 11 जाहू से प्रेमलाल, वार्ड नंबर 12 भुनकर से सोनिका कुमारी, वार्ड नंबर 13 नंदन प्रीतम सिंह जीते हैं यहां से। तो इसके बाद अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं पंचायत समिति बक्सर के जो हमारे निर्वाचित सदस्य हैं उनकी सूची इस प्रकार है। वार्ड नंबर 1 बजरोल से मधु ठाकुर, वार्ड नंबर 2 से वार्ड नंबर जो की ऊनपुर है ऊनपुर से सुनील कुमार जीते हैं, वार्ड नंबर 3 चारिया दिहार से रीता देवी, वार्ड नंबर 4 भटेड़ से लक्की ठाकुर, वार्ड नंबर 5 गवारण से अलका कुमारी, वार्ड नंबर 6 बारी से किशोर चंद, वार्ड नंबर 7 बराड़ा से विचित्र सिंह, और वार्ड नंबर 8 सिकंदर से रोजी, और वार्ड नंबर 9 समीरपुर अनीता देवी, वार्ड नंबर 10 दरब्यार मोनिका शर्मा जीती है यहां से, वार्ड नंबर 11 कंजियाड से प्यार चंद, वार्ड नंबर 12 दिवनी यहां से जीते हैं जसवीर सिंह, वार्ड नंबर 13 चमनेड़ से सेवा देवी, वार्ड नंबर 15 बरोहा से सुमलता, वार्ड नंबर 17 से भरनान यहां से शीला कुमारी जीती हैं, वार्ड नंबर 18 नाड़सी से शकुंतला देवी, वार्ड नंबर 19 से लकड़ू यहां से तिलक राज शर्मा जीते हैं। और इसके बाद दर्शकों अब हम बात करेंगे पंचायत समिति बिछड़ी के निर्वाचित सदस्यों की। वार्ड नंबर 1 मोरसु सुल्तानी मंजू देवी, वार्ड नंबर 2 सौर विनोद कुमार, वार्ड नंबर 4 करेर सुदर्शन शर्मा, वार्ड नंबर 5 कुलेड़ा से राकेश कुमार, वार्ड नंबर 6 सुल्ताना कला सुल्ताना कला से गुरदीप सिंह जीते हैं, वार्ड नंबर 7 से यहां से अमिता देवी जीती हैं। इसके बाद वार्ड नंबर 8 धंगोटा से अनिल कुमार, और उसके बाद वार्ड नंबर 9 से बलहर बिहार से मंजू कुमारी जीती हैं। इसके बाद वार्ड नंबर 11 दलचेहड़ा से अनिता कुमारी, वार्ड नंबर 12 से चकमो से ममता देवी, वार्ड नंबर 13 सत्रों से अंजना देवी। दर्शकों पंचायत समिति नंदौर के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी जो सूची जो हमारे पास इस समय उपलब्ध है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो हम सीधे अभी तक जो सूची आई है उसमें सबसे पहले है वार्ड नंबर पांच है नौगी से संतोष कुमारी जीते हैं, वार्ड नंबर 7 भूपल हरीश कुमार जीते हैं यहां से, वार्ड नंबर 8 जलाड़ी मंजीत कुमार जीते हैं यहां से, वार्ड नंबर 9 बेला से जीती हैं सुषमा देवी, और वार्ड नंबर 10 बटरान से नरेश कुमार, और उसके बाद वार्ड नंबर 11 मालक से उमा शर्मा, वार्ड नंबर 12 पनसाई यहां से जीते हैं पनसाई से कमल दत्त। तो दोस्तों दर्शकों ये जो हमारे हमीरपुर जिला के जितने भी बीडीसी मेंबर्स थे उनके जो जीतते हुए प्रत्याशी हैं उनकी सूची मैंने अपने वादे के अनुसार आपको सुनाई, और बाकी के जो परिणाम कुछ बाकी हैं अगर हमारे पास टाइम से आगे तो हम उसको उसी समय ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। दर्शकों आप सभी का धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ मैं एक बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें और इसे जबरदस्त तरीके से शेयर करें। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।